सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं आदित्य कुमार। कौन से पद के लिए नामांकन देकर आया? अभी मैंने वार्ड नंबर 10 के लिए, नगर परिषद के वार्ड पार्षद पद के लिए मैंने पत्र। लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि समाज में जो हो रही है आजकल, बच्चों को नहीं शिक्षा मिल रही है, न स्वास्थ्य मिल रही है, आओ गरीब जिस तक जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उसे उसके हक दिलाना, और जितना भी सरकारी योजनाएं आते हैं उनके लिए उसको किसी भी तरह उनके तक पहुंचाना मेरा सबसे प्राइमरी रहेगा। पहले तो मैं जो भी मेरे होंगे सहयोगी आसपास के जो भी है जनता जो भी है सहयोगी, मैं सबसे पहले उनके जागरूक करूंगा कि किस काम के लिए हमें पैसा देना है, जो सरकार के लिए जरूरी है देना, जो पैसा सरकार को देना जरूरी नहीं है वो उसे हम घूस बोलते हैं, जिसे हमको किसी भी हाल में नहीं देना, उसको काम को करने के लिए किसी भी स्तर तक जाए, दो दिन काम लेट से हो लेकिन काम करे, पैसा देकर घूस देकर कोई भी काम नहीं करे नहीं कराए। युवाओं के लिए सबसे पहला मेरा पहल यही रहेगा कि बहुत सारे सरकार की योजनाएं आती है जो युवाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके साथ साथ युवाओं में तरह तरह की स्किल होती है जिससे अपने जॉब खोजने में आगे की सुविधा में अपने जीवन यापन में काम देती है, उस पर विशेष ध्यान रहेगा और अपने समाज को कैसे सुदृढ़ करे, समाज को कैसे आगे ले जाए, इसलिए मैं विशेष ध्यान दूंगा। आपको इनसे क्या उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद है मेरे भाई से जिनका नाम आदित्य राज है, और इनका एक ही लक्ष्य है गरीब बच्चों को शिक्षा देना और समाज को सुधारना। आदित्य राज से क्या उम्मीद है? सबसे पहले आदित्य आजाद जो है आज से ये नेता आज बनने के योग नहीं है, लगभग कतई कितनों दिनों से ये समाज के लिए शिवहर के लिए इन्होंने वो चीज़ को लाया है, शिवहर में रेल का मुद्दा हो या आपको जो ये नगर में जो स्टेडियम का मुद्दा, उसमें इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, और इन्हें योगदान के लिए पूरे समाज इनके साथ है, और आगे इनको नेता के रूप में देखने के लिए हम लोग पूर्ण सहमत से और तन मन धन से इनके साथ में, पूरे शिवहर का जनता इनके साथ है।